हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है दोपहर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दोपहर की बड़ी खबरें। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 80 पैसे प्रति लीटर की हुई बढ़ोतरी। 4 महीने से अधिक समय बाद बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के दाम। जी हां, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 4 महीने से अधिक समय बाद 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 96.21 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत 87.47 रुपए प्रति लीटर हो गई है। तो वहीं मुंबई में पेट्रोल 110.82 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है तो वहीं डीजल 95 रुपए प्रति लीटर हो गया है। जबकि कोलकाता में पेट्रोल 105.51 रुपए व डीजल 90.62 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। चेन्नई में पेट्रोल के दाम 102.16 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। महंगाई की डबल डोज, 50 रुपए महंगा हुआ घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर। जी हां, बता दें कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो गया है। पिछली बार घरेलू सिलेंडर के रेट 6 अक्टूबर 2021 को बदले थे। 22 मार्च 2022 से दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर पहले 899.50 रुपए के मुकाबले अब 949.50 रुपए हो गया है। गौरतलब है कि 137 दिनों के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में 22 मार्च से बढ़ोतरी शुरू हुई है। यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए खुशखबरी, चलाई जाएगी स्पेशल बस। जी हां, यूपी में इस साल बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम ने बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए स्पेशल बस चलाने की घोषणा की है। इसके जरिए छात्रों को परीक्षा सेंटर तक पहुँचने में किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बता दें कि 24 मार्च से राज्य में बोर्ड परीक्षाएँ शुरू हो रही हैं तो वहीं 2 साल बाद ऑफलाइन बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। कांग्रेस का मोदी सरकार पर निशाना, कहा महा महंगाई भाजपा लाई। जी हां, पेट्रोल डीजल और घरेलू गैस सिलेंडर के रेट बढ़ने को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर अब निशाना साधा है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए लिखा, महा महंगाई भाजपा लाई, अब गैस सिलेंडर पर 50 रुपए बढ़े हैं। लोग कह रहे हैं कोई लौटा दे वो सच्चे सस्ते दिन, नहीं चाहिए मोदी जी के अच्छे दिन। अब जोमैटो देगा 10 मिनट में डिलीवरी, ट्वीट किया यह कैसे होगा संभव। जी हां, जोमैटो ने अपने लेटेस्ट फीचर की घोषणा की है। इसके जरिए 10 मिनट के अंदर खाना डिलीवर कर दिया जाएगा। सह संस्थापक दीपेंद्र गोयल ने खुलासा किया है कि यह फीचर सबसे पहले गुड़गांव में लॉन्च होगा। एक ट्वीट में जोमैटो ने समझाया कि वह कैसे संभव करेगा और इस कदम को दुनिया भर में पहली बार करार दिया गया। शशिकांत दास ने कहा, मंदी की आशंका नहीं, विकास का समर्थन करता रहेगा आरबीआई। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास ने कहा कि केंद्रीय बैंक और मौद्रिक नीति समिति को भारत में मंदी का कोई डर नहीं दिख रहा है। उन्होंने कहा कि 2022 में यह लगातार दूसरा महीना है जब खुदरा मुद्रास्फीति जनवरी में 6.01% पर पहुंचकर 6% के आंकड़े को पार कर पाई। राज्यसभा पहुंचने वाली नागालैंड की पहली महिला होंगी बीजेपी की एस फांगनोन कोन्याक। जी हां, भारतीय जनता पार्टी की एस फांगनोन कोन्याक राज्यसभा में नागालैंड से पहली महिला सदस्य बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस मामले से परिचित लोगों ने कहा कि समय सीमा समाप्त होने पर किसी अन्य उम्मीदवार ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियो न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।